बिकॉज इज हर्टिंग नियर नेवल आफ्टर स्पाइसी फूड। अच्छा, बिकॉज इज हर्टिंग नियर नेवल। देखिए, इट्स हर्टिंग नियर नेवल का मतलब ये नहीं है कि वो नेवल के पास अल्सर है। इट्स अबाउट वहां अंदर अगर आपको गैस हो रही है, दिक्कत हो रही है, इट माइट बी एक्चुअल GERD, इट माइट बी जस्ट स्पाज्म। कई बार जस्ट आपके बॉबल्स होते हैं, ये क्या हो गया, मैं भी लेना ऐसे। सीरियसली, ये नहीं है, बहुत एसिडिटी है, ये बहुत, ये नहीं, वैसे पचाया जाता है, ऐसे स्पाजम में चला जाता है। जी हाँ, ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है, राइट। सो आप थोड़ा सा दही और थोड़ा सा फाइबर इसको डालिए अपने डाइट में कुछ दिनों के लिए। फाइबर ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए फाइबर को, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। और आपको पानी को याद रखिए, खाने के 1 घंटा पहले 2 घंटे के बाद करिए, कई बार इसी से ठीक हो जाता है। नहीं हो रहा तो फिर आपको एक्चुअली, अगर बहुत सालों से है नहीं हो रहा तो फिर एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करानी पड़ेगी। इससे ज्यादा बताना थोड़ा सा मुश्किल है बिना आपको केस देखे, ठीक है। अब सारे जाइए अच्छे बच्चे बन के, स्टार जाके दवाइए, दवार दवार नहीं दवार दवा की फर्क पैदा है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह और ऐसी मस्ती करेंगे। याद दिला देना मुझे मस्ती करनी है, मुझे भूल जाता है। मुझे भूल जाता है कि मस्ती भी करनी होती है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।